हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गई हूँ एक नया ब्लॉग लेके। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था, हम दार्जिलिंग के लास्ट टूर दिखा रहे थे। देन उसके बाद ये है सिलीगुड़ी, हम सिलीगुड़ी पहुँच गए हैं। सिलीगुड़ी हम एक रात रुकेंगे, देन उसके बाद हम चलेंगे गुवाहाटी के लिए। तो ये देखिए, ये है होटल गणपति, जो कि बहुत ही प्यारा है और थोड़ा सा ड्रीम लाइट लगा हुआ था, तो आप लोगों को थोड़ा सा अंधेरा दिखेगा। तो हम चले अपने रूम की ओर। और एक चीज़ आप लोग को दिखाओ, आपके फुटस्टेप के साथ लाइट ऑन होती है, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है ना, बहुत सेफ़ होती है, मुझे ऐसा लगा। और ये रहा हमारा टाइनी सा छोटू सा रूम, क्योंकि हमें बस आज की रात ही रुकना है, क्योंकि कल सुबह होते ही हमें जाना है, 4:30 बजे निकलना ही होगा। तो अभी लगभग 7 बज रहे हैं, हम थोड़ा बाहर जाएंगे, थोड़ा बहुत लोकल मार्केट घूमेंगे, फिर खाएंगे, देन रहेंगे ही कितना। तो ये रहा कौशा, जो फेमस यहाँ का रेस्टोरेंट है, वहाँ का खाना मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, अभी भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है। सच में यार, इतना ज़्यादा टेस्टी खाना था ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो क्लिप। ये लगभग 4:30 बज रहे होंगे और 10 मिनट का ही रास्ता है होटल से स्टेशन तक का। तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन और पहली बार वंदे भारत एक्सपीरियंस करेंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ये चीज़ ना, मेरे हस्बैंड ने हमें सरप्राइज़ किया। मुझे पता नहीं था कि हम वंदे भारत से जाने वाले हैं, तो उन्होंने हमें बोला कि हम आज वंदे भारत से जाएंगे, तो सुपर एक्साइटेड। और बाहर देखिए, अभी तक अंधेरा है। और ये रहे मेरे बाहुबली पतिदेव, जो कि सबका बोझ उठाते हुए। और ये रहा हमारा वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं तो एकदम एक्साइटेड थी, कब बैठूंगी, कब एक्सपीरियंस करूंगी। और ऋषिका को देखिए, बस दौड़ती रहती है, जिसकी वजह से मैं और इसके पापा बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो थोड़ा सा अभी उजियारा होने लगा है, तो हम आ गए हैं। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये एंट्रेंस में ही पता लग जाता है आपको कैसा होगा कैसा नहीं। इतना साफ और इतना क्लीन लगा अंदर, मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ अच्छा लगा, मैं बहुत खुश थी। तो हमारा जो सीट था ना, इस टेबल के साथ अटैच था, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट था, कंफर्ट लगा मुझे, क्योंकि इशिका को कुछ ना कुछ खाना होता है, रखना होता है। और देखिए, फाइनली हमारा ट्रेन छोड़ दिया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था ये सफ़र बस ऐसे ही चलता ही जाए, हम इस ट्रेन में बैठ के बाहर का नज़ारा देखते हुए हम चलते ही जाएँ, ख़त्म ही ना हो ये सफ़र, इतना अच्छा लग रहा था। और ये रहे हम मेरे प्लांट्स, देखिए ना कितने प्यारे लग रहे हैं, ये दार्जिलिंग से हम लाए हैं। देन उसके बाद आ गए थे ये स्टाफ, जो कि हमारे लिए पानी लाए थे, और बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ का जो सर्विस है और स्टाफ भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और बाहर का नज़ारा मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, जो है ना बस उड़ रहा था, ऐसा लग रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कब हम कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे थे। इतना कंफर्ट ये ट्रैवल रहा मेरे लिए। देन उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, ये इंस्टेंट कॉफ़ी साथ में बिस्किट है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी इस टाइम, क्योंकि सुबह हम ब्रश करके नहा के आ गए थे। देन उसके बाद ये आ गया था, न्यूज़पेपर ऑफ़र कर रही थी, बट मेरा एक इशू है, मैं चलते हुए ट्रेन हो प्लेन हो, मैं ना मोबाइल नहीं देख सकती, मूवी नहीं देख सकती मोबाइल में, या कुछ पढ़ नहीं सकती, पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है, तो मैंने नहीं लिया। देन उसके बाद थोड़ा सा हम आ गए थे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम, और मुझे एक्सपीरियंस भी करना था कैसा है कैसा नहीं। तो ये एक स्टेशन में रुका था थोड़ा टाइम के लिए, और आप लोग खुद ही देख लीजिए मैं क्या ही बताऊँ। और उस तरफ शायद दूसरा डब्बा है, तो बहुत ही साफ नीट एंड क्लीन था। और हस्बैंड बाहर गए हैं, मुझे तो डर लग रहा था कहीं ट्रेन छूट ना जाए, क्योंकि डोर जब बंद होता है खुलता नहीं है। देन उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो आ गया था, नंबर 2 वाला ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे कटलेट्स थे और साथ में ये भेज सब्ज़ी था, 2 चपाती थी, इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर था। और किसी को अगर घर का खाना याद आए
तो एकदम ही घर का खाने के बारे में मत सोचिएगा, बाहर आप लोगों को थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। देन उसके बाद ये देखिए हमारा ब्रह्मपुत्र, इतना जल्दी सफ़र ख़त्म हो गया ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, पता ही नहीं चला अरे क्यों इतना जल्दी पहुंच गए, मुझे ऐसा लग रहा था। बट क्या करें, अपना घर भी तो आना है और ये कामाख्या स्टेशन है, मालेगांव क्रॉस कर लिए हैं हमने। और मैं क्या बताऊँ, हमारा जो वंदे भारत एक्सपीरियंस था बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। आप लोग भी जाइए, एक्सपीरियंस कीजिए। तो हम धीरे धीरे अपना सामान लेते हुए उतर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्ट लगा मुझे। देन उसके बाद हम आ गए थे पुन्नी को अपने घर छोड़ने के लिए, और पापा आ रहे थे पुन्नी को लेके। और पापा को मैंने बोला, पापा पुन्नी को मैं दे रही हूँ एकदम अच्छे से। पापा के साथ मैं थोड़ा बहुत मस्ती कर रही थी, और पापा मेरे लड्डू बेटी के लिए खिचड़ी बना के ला रहे थे, क्योंकि मुझे घर जाके थोड़ा सा लेट हो जाएगा बना के खिलाना। तो कितना सोचती है ना मम्मियाँ हमारे लिए। तो कैसा लगा बताइएगा, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू।